चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता संजय टंडन, जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां बीजेपी नेता संजय टंडन की गाड़ी पर हमला किया गया। हमले के दौरान गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसकी वजह से शीशे टूट गए। भारी संख्या में विरोध के लिए किसान पहले से ही मौजूद थे, और इस पर सीधे वज्म जुड़ गए मेरे साथ हमारे संवाददाता। वज्म, क्या तस्वीर फिलहाल वहां की? बिल्कुल, सब तो पहले थोनों दस दिए, बीजेपी ऑफिस के बाहर ही खड़ा थे, तस्वीर तुम देख सकते हो गड्डी ने किस तरीके हमला किया गया। संजय टंडन भी इतने मौजूद ने, उस समय इस गड्डी च मौजूद सीगे, ते अगे भी तस्वीर दिखा सकते हैं, पिछे भी दिखा सकते हैं। जिहड़े शरारती अंसर कहा जा रहा है, किसान कहा जा रहा है, कई वालों उन्होंने वालों जो है वो अटैक किया गया। तस्वीर पहले भी दिखाई है, संजय टंडन इस वक्त साढ़े नाल ने। सर, तुम उस समय उत्थे सीगे, किन्ना समा उत्थे लग्या? क्योंकि यह कहा गया कि किसानों ने हर पासों घेर लिया, अपना रोष जताने आए थे। जब अटैक होया तो पहला तो पता सीगा उत्थे कि किसान होए गए हैं, फिर भी तुम उत्थे पहुंचे सीगे अपनी गल रखने लई? साडा प्रोग्राम कोई पिछले दो दिन पहले तो फिक्स होया दा सीगा, 48 दी मोटर मार्केट ने जो वो प्रोग्राम रखा दा सीगा, ते उत्थे उन्होंने अभिनंदन समारोह सीगा, एक कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं सीगा। मेरा ते रविकांत शर्मा जिहड़े चंडीगढ़ दे मेयर है, सानू दोनां नू उत्थे उन्हां ने इनवाइट कीता दा सी। कल रात नू मैनू किसे ने भेजिया एक वीडियो के बई असी जिहड़े गया इत्थे पता लग्गिया जी इत्थे इत्थे टंडन आ रहा है, ते इहदे उत्ते असी इहनां दा घिराओ करना, इहनां दा विरोध करना है, ते सारे जिन्ने इकट्ठे होवो। वो वीडियो जिसले आया मैं उसे वेले वीडियो DGP नू भेज दिता, मैं पुलिस नू इनफॉर्म कर दिता, मैं कहा भी जो तुसी कार्रवाई करनी करो। लेकिन एदे नाल नाल पुलिस ने सारा उदा प्रबंध करके सानू सवेरे दसिया कि जी कोई ऐसी गल नहीं, तुसी आराम दे नाल जा सकदे हो। ते मैं ते रविकांत असी इकट्ठे ही साडी गड्डी जिस वेले उत्थों एंटर कीती है, ते असी देख के हैरान हो गए कि सामने वो कोई जिहड़ा गया 50-100 बंदियां दा इक हजूम आ रहा सीगा, ते साडे ड्राइवर ने उधरों गड्डी उस वेले मोड़ी, ते फिर सानू उस तो बाद जिहड़ा ना SHO सानू दूसरे पासों लिजा के उन्होंने वो प्रोग्राम वाली जगह दे उत्ते उत्थे एंटर कीता। जिले असी उत्थे एंटर करके अपना प्रोग्राम साडा कोई लगभग पौना घंटा प्रोग्राम चलिया, प्रोग्राम सारा वधिया हो गया, ठीक ठाक हो गया, अभिनंदन हो गया। उस तो बाद असी जिसले निकले हाँ, ते जिहड़े गेट नंबर 1 चो जिसले निकले हाँ, ते बाहर जिहड़े बंदे खड़े सी जिन्हां अगे पुलिस खड़ी सीगी, उन्होंने पुलिस का कॉर्डन तोड़िया और एकदम आ गए जे डंडियां दे विचों, उन्होंने अपनियां रोडां कढ़ियां, रोडां दे नाल साडी गड्डी ते अटैक कीता, इधरों साइड दे उत्ते पत्थरां नाल कीता, हत्थां नाल, कड़ियां दे नाल, ओह सारी चीज़ां दे नाल गड्डी। असीं किसानां नाल गल कर रहे सी, किसान कहिंदे कि कोई शरारती अंसर सीगे विच, इह किसानां वल्लों नहीं कीता गया, उह तां आरोप बीजेपी ते लाए सी कि बीजेपी दे कई वर्कर सीगे उन्होंने तोड़ फोड़ कीती है, ते सानूं बदनाम करदे ने आके। इह ते गल जिहड़ी हैगी आ, जदों तुसीं सुना रहे हो ते उहदे विच ही हुण मास्क दे विच हसी वी नहीं दिखदी ना, ते कोई भी बंदा देखने वाला भी समझदा होएगा कि इस तरीके की गल करना एक बड़ा मजाक का मजबून बन गया। मेरे हिसाब दे नाल इस मजबून नू लोगां नू समझ आनी चाहिए है कि इन्हां विच गलत बंदे हैगे है, किसान एक्चुअली इहदे विच नहीं हैगे, और यह बंदे जिहड़े हैगे है जिस तरीके दे नाल चंडीगढ़ का माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ की पुलिस नू भी आगाह कीता, मैं होम मिनिस्टर साहब ने भी आगाह किया, मैं अपने राष्ट्रीय नेता अपने जड़े अध्यक्ष है नड्डा जी दे उन्हां दे भी ध्यान दे विच गल लियांदी है। इस तरीके दे नाल जिस तरह जड़ा हैगा लॉ नू अपने हाथ च लैण दी कोशिश कीती कानून ने, कानून नू इहदे खिलाफ जड़ा हैगा इमीजिएटली पुलिस नू एक्शन करना चाहिए, और चंडीगढ़ दे विच जिन्ने भी जगह दे उत्ते इस तरह लोग खड़े ने उन्हां नू इत्थों उठाना चाहिए, उन्हां दा कोई मतलब नहीं बनता कि इस तरह चंडीगढ़ दे चाहिए। तुसीं कह रहे हो मेरे साहब, तुसीं भी साडे नाल हो, रविकांत शर्मा जी साडे नाल ने, थोड़ी गड्डी भी देख लैने आ क्योंकि तुसीं पूरे 5 मिनट बाद निकले, तो थोड़ी गड्डी ते सब तो वड्डा जिहड़ा अटैक होया असीं देख सकते हां, कई सारे जिहड़े लोगों ने घेर ली सी थोड़ी गड्डी, उस समय जान भी बची है थोड़ी, पर जिस तरीके नाल अटैक किया गया कोई एक्शन लेने की तुम भी मांग कर रहे हो, जिवें संजय टंडन जी कह रहे हैं कि एक्शन लिता जाना चाहिए, तुम की कहोगे? बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने अज एक मंदभागी जी घटना घटी है, इन्होंने बड़ा प्लान करके साडे ते जानलेवा जिहड़ा हमला किया टंडन साहब ते और मेरे ते, ये बड़ा निंदनीय है। और अगर मैं ये कह सकता कि किसान ये लोग नहीं हो सकते, इदा के गुंडे जिहड़ा इन्होंने प्लान करके
अपनी एक दूसरी मैं तो यह कहांगा कि दूसरी पार्टी के पोषित लोगों को किसान बना के अगे वाकया दसो कित्थे बैठे सीगे तुसी उस समय ते कद जद हमला होया सब तो पहला हमला कित्थों होया क्योंकि सारी गड्डी तोड़ी गई थोड़ी किस साइड ते तुसी बैठे सीगे आ तुसी पिछे भी तस्वीर देख सकते हो पूरे तरीके नाल जिहड़ी गड्डी तोड़ी गई है ते सरकारी गड्डी है बिल्कुल इस पासे जिहड़ा है खोले बैठे सीगे उस पास तो बाद फिर उस तो बाद की होया मेरे साथ मैं बिल्कुल इत्थे इस सीट ते बैठा सीगा जी और उन्होंने बिल्कुल पहला हत्थां नाल रोडां दे नाल देखो मेरा शीशा भी टुटिया है फिर उन्होंने एक रोड मारिया पिछे आ वाला शीशा तोड़िया और बिल्कुल सारे कांच जिहड़े आ साडे अगे आके मेरे पिछे ते उस तो बाद उन्होंने अगे बिल्कुल रोडां दे नाल डंडियां दे नाल अटैक किया और मेरे ड्राइवर दे तुसीं देखो मूँह दे उपर पूरा शीशा दे नाल जिहड़ा उहदा पूरा मूँह दे उपर निशान पिया है पी एस ओ नूं भी मतलब उस वेले सिचुएशन ये लग रही थी मैनूं लग रहा है कि अज शायद आपां बच के नहीं जावांगे मतलब पुलिस का उस वेले जिहड़ी कवरेज पुलिस नूं देनी चाहीदी सी शायद वो अपना रोल पुलिस जिहड़ी है नहीं निभा पाई ते पुलिस दा भी फेलियर तुसीं कहिंदे हो कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर पाई नहीं बिल्कुल नहीं पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर पाई एलीगेशन ला रहे हो तुसीं मेयर हो आप तुसीं एलीगेशन ला रहे हो पुलिस ते कि नहीं कर पाई मैं कह रहा कि जदों आपां निकले आ उत्थों पुलिस नूं जदों सानूं अंदर वाड़िया ते पुलिस ने पूरा प्रोटेक्ट करके अंदर उधरों वाड़िया।